ओसीआई कार्ड जो है इसका कैंसिलेशन भी हो सकता है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, इंटरनेशनल लॉ है ये, तो खाली भारत का ही संविधान और भारत के ही लॉ नहीं है, कि अगर मान लो आपके फादर मदर ने ओसीआई कार्ड रिनाउंस कर दिया, ठीक है, अगर मान लो फादर के पास ओसीआई है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने रिनाउंस कर दिया, तो उनकी वाइफ और बच्चों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंटरनेशनल कानून है, इसमें इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है, तो रिनाउंसिएशन ऑफ ओसीआई कार्ड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, कैंसिलेशन भी हो सकता है, यानी भारत सरकार ही निरस्त कर सकती है। किस किस केस में? एक तो अगर आप कोई फ्रॉड करेंगे तो सो ऑब्वियस है ओसीआई कार्ड आपका निरूप हो जाए। दूसरी चीज ये है कि आप दुश्मनों से, मान लो हम किसी कंट्री से वॉर पे हैं, आपको ऐसा लगा कि आप ओसीआई के नाम पर यहाँ एस्पिनाज कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उस कंट्री को पहुंचा रहे हैं, तो भी आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अगर ओसीआई कार्ड लेने के बाद आपने मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम करा कहीं पर, और वहां उसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा को मतलब एक तरह से कहे हो तो बड़ी सजा कहते हैं, 2 साल से कम को कहते हैं छोटा मोटा पेटी क्राइम्स है। अगर आपने बड़े लेवल का क्राइम करा और उसकी सजा 2 साल से ज्यादा है किसी भी कंट्री में, तो भी आपका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पता चला आपने क्राइम करके इंडिया भाग गया है, तो ये नहीं चलेगा। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, तो ऐसा नहीं चलेगा कि क्राइम कर लिया कुआलालंपुर पे, आ गया इंडिया दिल्ली यमुना के पास बैठा है, तो ये नहीं चलेगा। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर मान लो आपने शादी करी यहां की लड़की से, ओसीआई कार्ड ले लिया, और उसके बाद आपने डाइवोर्स कर दिया, तो आपको, समझ गए होंगे, ओसीआई कार्ड आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर कोई भी इंडियन लॉ जो 2019 में ही सरकार ने करा है, एक संविधान करा और उसमें कहा है, संविधान इसी का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का 2019, इसमें कहा है कि अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर है इंडिया में आकर, या आपने कोई भी भारत के कानून का या भारत के संविधान का किसी की भी मुखरता की, या आपको किसी भी लॉ का वायलेशन में पकड़ा गया, तो भी आपका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, ये चोर उचक्कों को नहीं दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सब, इससे ओसीआई कार्ड खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने अभी तक देखा था कि किस किस तरह से हमारे को नागरिकता मिलेगी। तो पहला देखा बर्थ, दूसरा देखा डिसेंट यानी वंश, और वंश के बाद देखा हमने रजिस्ट्रेशन, और हमने देखा कि अगर आपका बच्चा माइनर, मतलब अगर आपने ओसीआई कार्ड होल्डिंग ले रखी है, तो विद इन 1 साल आपको इंडिया में रहेंगे और सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर माइनर बच्चे का सिटीजनशिप कहीं और का है और वो फुल एज में आए और इंडिया में आकर उसे 1 साल के अंदर फिर सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि आप वो फुल ग्रोन हो गया है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी लेने आया है इंडिया में। चले आगे, नेक्स्ट देखो उधर, उसके बाद इधर आओ। तो हमने डिसेंट देखा, बर्थ देखा और रजिस्ट्रेशन देखा। अब नेचुरलाइजेशन, आप कहेंगे नेचुरलाइजेशन क्या है, मैं कहूंगा भारतीकरण हो गया, नागरीकरण, भारतीकरण। इतने सालों से भारत रह रहा है कि हमसे ज्यादा अच्छी हिंदी बोलता है, ठीक है, जैसे टॉम आल्टर की हिंदी अगर सुन लो खुद पर शर्म आ जाएगी तुम्हें, ठीक है, और उनका लड़का जिमी आल्टर जो आजकल हंसी मजाक के वो करता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा इंडिया में रहे कि इनका भारतीकरण हो गया, उसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन, कि नागरीकरण। और नागरीकरण में एग्जाम्पल लिया जाए तो बड़े फेमस एग्जाम्पल है एनी बेसेंट, एक आयरिश वूमेन जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई, जर्मन में शादी हुई तो उसका पति उसे मारता था, मद्रास में आई, अद्यार नदी बहती है वहां पर, और वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई,
इंडिया की जो स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म सी होने वाली थी उसको जग चेतना दी। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करा बाल गंगाधर तिलक के साथ, नेचुरलाइजेशन। और अगर नेचुरलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया जाए तो आपने देखा होगा बॉस नॉर्मन बॉर्लो, ठीक है, जीन ड्रेज, इनका नाम सुना है मनरेगा वाले? नहीं सुना, नाम तो इन्हें जानते हो? एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर रहे और मनरेगा लेके आए, नागरीकरण, इन्हें भी नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिली है इंडिया की, ठीक है, पता चला। चले आगे, नेक्स्ट आइए। तो नेचुरलाइजेशन, नागरीकरण हो गया, तो नागरीकरण कैसे कैसे होता है उसे हम देखते हैं यहां पर। तो इसे प्रोसेस को कहते हैं नेचुरलाइजेशन। क्या कहा जाएगा नेचुरलाइजेशन को? अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन, यानी उसका नागरीकरण हो जाए, यहां पर भारतीयकरण हो जाए, और उसका एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है और कुछ क्वालिफिकेशन है, प्रोसेस और क्वालिफिकेशन दोनों देखते हैं। पहला ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका भारतीयकरण होगा। भारतीयकरण, हम तो ऑलरेडी भारतीय हैं, दिख नहीं रहे बोली से, सकल से, अकल से, पहनावे से, तो बात ये है। ही शुड नॉट बी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, पहली पहली बात तो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज, तभी तो नागरिकरण होगा। दूसरी चीज, जिस आदमी को हम नेचुरलाइजेशन दे रहे हैं उसकी कंट्री में भी, यानी जहां की उसकी सिटीजनशिप है उसकी कंट्री में भी ऐसा ही नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस हो, यानी वहां पे भी भारतीयों को नागरिकता नेचुरलाइजेशन पे दी जाती हो, जैसे यूएसए, यूके, इन सब पे दी जाती है नेचुरलाइजेशन पे। अरब वर्ल्ड में चले जाओगे तो आप 20 साल भी रह लो तो भी नागरिकता मिलनी पॉसिबल नहीं है, और उसी जगह आप रिसर्चर है, स्कॉलर है, आईएम से पढ़े हुए हैं, तो एक ही दिन में दे देगा, हाँ एक ही दिन में दे देगा। ये फायदा होता पढ़ने लिखने का, बाकी 20 साल भी रह लो तो नागरिकता नहीं मिलेगी, नेचुरलाइजेशन लगता ही नहीं है। तो बात ये है, वो कंट्री जहां पर इंडिया को भी नेचुरलाइजेशन मिलता हो वहीं हम नेचुरलाइजेशन देंगे। दूसरी चीज, जब वो नेचुरलाइजेशन के लिए उसने उसने एप्लीकेशन दी है तो वो अपनी कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसे रिनाउंस कर चुका हो, उसे रिनाउंस कर दे और उसके बाद यहां पर आके नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट, मतलब एप्लीकेशन दे। फर्दर वो आदमी नेचुरलाइजेशन, फर्दर इस एक्ट में सब लिखा है बेटा, यहां जो एक्ट है ना ये सब लिखा है इसमें, इस एक्ट को भी बता रहे हैं हम। यहां पे आ जाओगे तो नेचुरलाइजेशन का भी केस आपको मिल जाएगा, ये OCI मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ये इस एक्ट से ही पढ़ाया है। चलिए, तो बात हम नेचुरलाइजेशन की कर रहे थे, एक मिनट बेटा, चलिए क्वालिफिकेशन लिखी है नेचुरलाइजेशन। दूसरी चीज, नेचुरलाइजेशन की एक और क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि वो इंडिया में रिसाइड करते हो या इंडिया की किसी गवर्नमेंट की सर्विस में भी हो। ऐसा भी होता है, हमारे आर्मी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सर्विस लेता है, ठीक, पहले भी लेता था आज भी लेता है। तो ऐसे भी हो सकते हैं, या तो इंडिया में रिसाइड करते हो या गवर्नमेंट की सर्विस पे हो या फिर पार्टली और अदर, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कुछ भी हो सकता है।
थ्रूआउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी यहाँ वो रहते हो या सरकार की उसमें हो, सर्विस में हो, सेवाओं में हो, किसी भी केस में 12 महीने पहले वो यहीं रहते हो, 12 महीने प्लस 12 महीने कब से देखे जाएंगे। दूसरी चीज, प्रोविजो भी लिखा, यानी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यानी प्रोविजो साथ के साथ, कोई भी आदमी प्रोविजो नहीं, इधर देखो डी, सब क्लॉज डी, प्रोवाइडेड वो 14 ईयर में से, यानी 14 साल में से वो 11 ईयर्स से ज्यादा इंडिया में रह चुका हो। अब सुनो, दो कंडीशन नेचुरलाइजेशन, नागरिकरण कैसे होगा कि जब नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन दी है तो अपने यहां की सिटीजनशिप छोड़ दो, दूसरी बात 12 महीने जब आपने एप्लीकेशन दी है इसके 12 महीने पहले तक आप इंडिया में रहते हो। दूसरी कंडीशन कि 14 साल में एटलीस्ट 11 साल आप इंडिया में रह चुके हो। नहीं समझ में आया, फिर दोबारा बताते हैं। नेचुरलाइजेशन यानी नागरिकरण उन लोगों को मिलेगा जो गवर्नमेंट की सर्विस में हो या फिर इंडिया में रिसाइड करते हो, और एप्लीकेशन देने से 12 महीने पहले वो इंडिया में रेगुलर रहते हो, यानी 12 महीने की रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए, 12 महीने लगातार इंडिया में रहे हैं, प्लस 14 साल में एटलीस्ट 11 साल वो इंडिया में रह चुके हो, तब जाके नेचुरलाइजेशन। अरे भारतीकरण तो तब होगा ना जब वो भारत में इतने साल रहेंगे, और जब एप्लीकेशन देंगे तो भी 12 महीने का विंडो चाहिए, रेगुलर विंडो चाहिए, यानी 12 महीने तक लगातार आप रहते हो। एवरीवन, दूसरी चीज, आप एक और चीज करी है, उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, और उसमें यह कहा गया कि अगर आप कोई भी माइनॉरिटी है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है या क्रिश्चियन है, और आप अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर आए हैं, तो आपके लिए जो ये 11 साल की अवधि है वो बस 5 साल आपको करना पड़ेगा, यानी 11 छोड़ो, 11 की जगह आप 5 साल भी रहे हो तो भी आपको सिटीजनशिप बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। अगर आप प्रोसिक्यूटेड हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, इन तीन कंट्री से आए हैं, प्रोसिक्यूटेड है, ये माइनॉरिटी है ना, यहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो आपको 11 साल की अवधि पूरी करने की जरूरत नहीं है, 5 साल में ही मिल जाएगा। समझ में आया यहां तक? फर्दर, आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, नेचुरलाइजेशन, भारतीकरण, नागरिकरण के बेसिस पे नागरिकता उसे दी जाएगी जिसे किसी भी 8वें अनुसूची जो है, यानी 8th शेड्यूल जो है हमारा संविधान का, उस 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है उसमें, उस 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज की एडिक्वेट, यानी जानने समझने वाली, ऐसा नहीं पीएचडी नहीं लिखा इसमें, एडिक्वेट नॉलेज, यानी आप समझ पाते हो, बोल पाते हो, क्या हो बेटा नेक्स्ट? तो नेचुरलाइजेशन हमने देखा, और क्या है क्राइटेरिया, जल्दी जल्दी याद करवा दो हमें, क्या है क्राइटेरिया नेचुरलाइजेशन का? तुझे एक ही चीज याद है बस, उधर भी हो, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, फिर ये भी बहुत अच्छी बात है, और माइनॉरिटी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो 5 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, और अगर 14 ईयर में से कोई 11 साल अगर इंडिया में रहा है तो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। मुझे तुम लोग अचंभित कर रहे हो, आगे आगे आगे, कोई भी 8 एप्लीकेशन से पहले कितने साल इंडिया में,
बारह साल या 12 महीने और 14 में से रट गया है। चलो फिर नेक्स्ट, सिटीजनशिप मिलेगी जब तुम बताते हो, मुझे खुशी होती है थोड़ी बहुत, मन का चलो थोड़ी बहुत मेहनत तो सफल हुई। दूसरी चीज नेचुरलाइजेशन, नागरिकरण से तो सिटीजनशिप मिल ही सकती है, एक और तरीका है जिससे सिटीजनशिप मिल सकती है और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे 1960s में जब हमने गोवा को टेरिटरी बनाया, गोवा हमारी टेरिटरी थी लेकिन उस समय पुर्तगाली राज करते थे उस समय, तो जैसे गोवा को बनाया तो गोवा के सारे लोग इंडिया के सिटीजन बन गए। सिक्किम को 1970s में इंडिया में इनकॉर्पोरेट कराया, सिक्किम के सारे लोग इंडिया के सिटीजनशिप बन गए। ऐसी पुडुचेरी की बात करिए आप, पुडुचेरी को हमने जब इंडिया की टेरिटरी बनाया तो पुडुचेरी के सारे लोग इंडिया के सिटीजन बन गए। तो कहते हैं भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अभी का एग्जांपल लेना आपका वो 1960s-70s का दे दिया, अभी का दे दो तो अभी बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड एक्सचेंज करे हैं, ठीक है। तो जो बांग्लादेश की टेरिटरी हमने ली और हमारी टेरिटरी बांग्लादेश ने ली, दोनों के सिटीजन अपने आप ही उस देश के सिटीजन बन गए भाई इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी। वो जो बांग्लादेश की टेरिटरी पहले थी वो हमारे अंदर आई, उनसे प्लेबिसाइड भी करवाया, पूछा कहां जाओगे तो उन्होंने कहा इंडिया ही जाएंगे हम। प्लेबिसाइड में यानी जनमत संग्रह में भी उन्होंने इंडिया का ही नाम लिया और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी वो इंडिया के सिटीजन बन गए ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो कहते हैं अखंड भारत बनना है, अपने आप ही सिटीजन बन जाएंगे वो, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बलूचिस्तान वालों को ये कहना चाहिए कि इंडिया कब आएगा, कब हमें सिटीजनशिप बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान वालों को कहना चाहिए नहीं, मुजफ्फराबाद वालों को कहना चाहिए कब इंडिया आए और उन्हें सिटीजनशिप बनाए। चलो मोटा भाई रहेंगे तो कुछ हो भी जाएगा। चले आगे, अब नेक्स्ट अब मैं एक एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी नागरिकता किस किस तरह से जा सकती है। तो हमने अभी पहले देखा नागरिकता किस किस तरह से आ सकती है और ये संविधान ने डिफाइन किया है नहीं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 किस किस तरह से नागरिकता मिलती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सबको समझ में आ गया। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता कैसे जा सकती है, बहुत आसान है जाना, तो कैसे कैसे जा सकती है सबसे, हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो, हाँ हाँ क्या कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक तरीका है रिनंसिएशन का कि आप खुद बाहर की सिटीजनशिप ले लो, पूजा करो पहले कि किसी तरह ग्रीन कार्ड मिले और जैसी मिले रिनाउंस कर दो, ठीक है। रिनाउंसिएशन मतलब आपने डिक्लेरेशन करा है कि मुझे इंडिया की सिटीजन नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज और है, अगर इंडिया किसी से वॉर में है तो उस समय आप सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि बात है तब देखा होगा जब कोई कंट्री वॉर पे होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और पर्टिकुलरली जो हायर क्लास के एलीट क्लास के हैं वो इस बेसिस पे देश छोड़ देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, यहाँ पे तो वॉर हो रही है, छोड़ के भाग निकलो, जैसे गाजा देखोगे या कहीं पे भी देखोगे। तो इस समय वॉर के समय दो आपको रिनाउंस नहीं करने दिया जाएगा, रिनाउंसिएशन एक्सेप्ट भी नहीं होगा। दूसरी चीज, वॉर के समय इसलिए भी रिनाउंस नहीं करने दिया जाता कि क्या पता आप यहां की सिटीजनशिप छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर सारी चीजें बताने लगो। आप रहते हो जलंधर में, वहीं बेस है एयरबेस, सारी इंफॉर्मेशन बता दो, तो वहां पे भी रिनाउंस आपको नहीं करने दिया जाएगा। बहुत अच्छे, तो रिनाउंसिएशन पहला तरीका। दूसरा, सरकार ये खुद टर्मिनेट हो जाए। खुद टर्मिनेट कैसे हो सकता है,
या तो आपने रिनाउंस कर दी किसी और की सिटीजनशिप लेकर, या आपने कुछ किसी और की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिकली यहां की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेटेड। आप रिनाउंस भी नहीं करेंगे तो भी टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन यह भी वॉर के समय नहीं हो सकता, वॉर के समय यह भी अलाउ नहीं है, टर्मिनेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, फर्दर, अच्छा टर्मिनेशन तब भी हो सकता है कि मान लो आपने किसी और कंट्री की ले ली तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन यह भी वॉर के समय नहीं होगा, यह याद रखना है। नेक्स्ट तरीका है रिनाउंस कर लॉस ऑफ सिटीजनशिप का, उसे हम कहते हैं डेप्रिवेशन। आइए, ये उधर उधर कर दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक करवा देंगे, ठीक करवा के भेज देंगे आपको। तो दूसरा तीसरा तरीका है बाय डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन, पहला रिनाउंसिएशन, आपने रिनाउंस कर दिया, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना घर रिनाउंस किया था, आपने सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी। खैर इसे इक्वेट नहीं कर सकते, मैं पढ़ाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस करना, सच बात तो ये है कि बहुत ही दुखदाई है। तो पहला है रिनाउंसिएशन करना, दूसरा है टर्मिनेशन करना, तीसरा है बाई डेप्रीवेशन, यानी आपको आपकी नागरिकता से डिप्राइव, छीन लिया जाए, इसे कहते हैं डेप्रीवेशन। और डेप्रीवेशन कैसे कैसे हो सकता है, और ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को डेप्रीवेशन की पावर नहीं है। कौन कर सकता है खाली? नागरिकता कानून बनाने की भी पावर सेंट्रल को ही दी गई है, पार्लियामेंट को ही दी गई है। ठीक है, तो डेप्रीवेशन कैसे कैसे हो सकता है कि अगर आपने सिटीजनशिप कोई फ्रॉड से लिया, धोखाधड़ी करके रजिस्ट्रेशन करा लिया, वहां पे आप हिस्ट्री सीटर थे साइबेरिया में, यहां आकर रजिस्ट्रेशन करा के इंडिया में रह रहे चुप्पा चुप्पा, तो इंडियन सरकार आपकी सिटीजनशिप रद्द कर देगी। दूसरी बात, आपने किसी भी सिटीजन ने डिसलॉयल्टी दिखाई है टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप जाना बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी सजा है भाई, देखा जाए तो देश निकाला, तो आपने संविधान के लिए डिसलॉयल्टी दिखाई है। ठीक है, कितने नेता ये करते हैं, उनकी सिटीजनशिप अभी नहीं गई, वो चुनाव लड़ लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई तो यू विल बी, योर सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। दूसरी चीज, अगर आपने अनलॉफुली ट्रेड कराए, यानी किसी से लड़ाई चल रही है उससे ट्रेड कर रहे हो, या फिर उसे हमारी कंट्री के बारे में एस्पिनाज कर रहे हो, सारी जानकारियां दे रहे हो, तो भी केंद्र सरकार आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट करेगी। ट्रेड करो या फिर कम्युनिकेट करो तो भी, एनिमी समझते हैं दुश्मन। फर्दर, आपको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप दी गई, लेकिन जब सिटीजनशिप दी गई, नागरिकता दी गई और आपका भारतीयकरण हुआ, उसके 5 साल के अंदर ही आपने ऐसा क्राइम कमिट करा जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, तो भारतीय तो तुम क्या बने हो? ठीक है, भारतीय तो क्या बने हो, खैर हत्यारा ज्यादा बन गए हो। तो ऐसे में भी आपकी जो नेचुरल, जो सिटीजनशिप है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, उसे टर्मिनेट कर दी जाएगा, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। ठीक है, डिप्राइव कर देगी केंद्र सरकार, आपकी सिटीजनशिप छीन लेगी। समझ में आया? सिटीजनशिप का ओथ हमने देखा ही, अगर आप रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको ओथ लेनी पड़ेगी, बाय बर्थ ओथ लेनी पड़ेगी, बच्चा पैदा हुआ उसको ओथ दिलवा दोगे? थोड़ी रहम, कॉमन सेंस, लॉ इज नथिंग बट, ठीक है, ये मत कहना बर्थ में भी ओथ तो लेगा ही, बच्चा अभी पैदा हुआ है, अपना नाम नहीं ले पाता, रोता रहता है खाली, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब एक छोटा सा टॉपिक है, और छोटा क्या, बड़ा एक टॉपिक है, बड़ा कहें या छोटा कहें, कितनों के लिए बहुत बड़ा है, कितने के लिए छोटा है, तो उसे भी कर लेते हैं, जिसका नाम है एनआरसी।